पाकिस्तान दे वजीर आजम इमरान खान साहब, सम्मान योग मंच, बाकी सब लोग जो यहां जमा हैं वो मेरी पगड़ी के लड़ हैं, वो सब सम्मान योग हैं। मैं जब बाबा नानक की इस मुकद्दस जगह की तरफ बढ़ा था, पाकिस्तान में आया था, तो सबसे पहले उन्हीं की फिलॉसफी, उन्हीं की विचारधारा का एक आगाज हुआ था, हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ए सारा जहान जीवे, धरती पौण पानी बूटे जीव प्राणी, सूरज चन्न सितारे ए सारा आसमान जीवे, जीवे रहम हर इंसान दे दिल दे अंदर, ते शान बान आन दे नाल हर इंसान जीवे, ते प्यार अमन खुशहाली दा रूप बन के मेरा यार दिलदार इमरान खान जीवे। कोई डर नहीं, कोई वहम नहीं। नानक शाह फकीर हिंदुओं दे गुरु ते मुसलमानों दे पीर, हिंदुस्तान दा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट कलर एंड क्रीड। बाबा नानक 550 साल पहला कह गए, लेकिन कोई जरिया बनता है, कोई फरिश्ता आता और 71 साल दी इंतजार नूं पलां दे विच मिटाउंदा है और ओ यारी भी निभाउंदा है। लो सुन लो, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। आई लिव इन द स्पेस वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। ओदे नाल यारी कदे ना लाइए जिन्हों अपने उत्ते गुरूर होवे, मां बाप नूं बुरा कदे ना आखिए, भावें लख उन्हां दा कसूर होवे, बुरे रस्ते कदे ना जाइए, भावें मंजिल किन्नी भी दूर होवे, ओ बुल्ले शाह मुहब्बतां उत्थे पाइए जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे, जिथे प्यार निभाउण दा दस्तूर होवे। ये प्यार निभाया, सृष्टि नूं अगर बदलना है तो दृष्टि नूं बदलना पएगा, सोच नूं बदलना पएगा। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं, हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां खोजता है, दोनों की सोच में अंतर है और यह सोच ही बनाती है इंसान को। लो एक होर छड़दा मैं उस यारी दे नां दे उत्ते, एक होर, जड़ा यार ना देखे ऐबा नू वो यार मुबारक हुंदा है, जिस प्यार च पोरा गर्ज नहीं वो प्यार मुबारक हुंदा है। कि लैना है उच्चे महलां तो कि देना शिखर मनारा ने, जिस दर ते चोली भर जाए वो द्वार मुबारक हुंदा है, वो द्वार मुबारक हुंदा है। साडियां चोलियां भरतियां, साडी कायनात साडी चोली च पाती, तमाम 7-10 जन्म अगर लगे रहिंदे ते अपनी जड़ नाल नहीं सी जुड़ सकते। मेरे माँ प्यो उस मिट्टी नूं चुम के अखां भर के वापस चले जांदे सी, मेरे जिन्ने किन्ने ही होर लोगों के माँ प्यो, किन्ने ही होर ऐसे लोग इस तरह अखां भर के वापस जांदे रहे। साडी जड़ दे नाल जोड़न लई साडे वास्ते ये पुन कर्म करन लई भारत सरकार होवे, चाहे इमरान खान साहब हों, उन्होंने फर्ज निभाए है धर्म नूं कदे भी सियासत और आतंक दे चश्मे दे नाल कदे ना देखो, क्योंकि कौम दा कोई भी वारिस अपने पिता अपने जनक दे दरवाजे दे उत्ते ना सके। एक केड़ी किताब दे विच लिखिया है, एक केड़े शास्त्र दे विच लिखिया है कि अगर मैं अपने महरम बाबा नानक दे दर दे उत्ते जाना होवे ते मैनू जान ना दिता जावे। इस करके मैं वजीर आजम इमरान खान साहब दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। तुसी 5 वार दे नमाजी हो साहब, 5 वार नमाज पढ़ते हो, असी भी 2 वार अरदास करदे हां, लेकिन जदों अरदास करदे हां कहने नानक नाम चढ़दी कला
तेरे भाने सरबत का भला, अपने तो पहला असी तुहाडा भला मंगते हैं यारो, तुहाडा भला मंगते हैं। यही बाबा नानक की फिलोसफी है। बाबा नानक की फिलोसफी जोड़ती है, ये तोड़न वाली नहीं, ये आपसी भाईचारे की आवाज़ करती है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। ये खून खराबा बंद होना चाहिए, अमन वापस आना चाहिए, मामा दे पुत नहीं उजड़ने चाहिए। डुल्ला कीड़ियां दा लख मन आटा, डुल्ला कीड़ियां दा लख मन आटा, मावां दे इन्ने पुत डिग पए, पैंदा मावां नूं तां दोही बन्नी घाटा, हारे जा कोई जंग जित जाए। बहुत नुकसान हो गया साहब, बहुत नुकसान हो गया, बहुत खून खराबा हो गया बलदे जंगलां दे उत्ते। हुण फिर कोई पानी पाउण वाला होना चाहिए, कोई इस अग नूं मिटाउण वाला होना चाहिए। मैं इस कोरीडोर नूं एक बहुत वड्डी संभावना देखदा, यह कोरीडोर जोड़न वाला है, ये लोगों के दिल मिलाउण वाला है, ये दिलों के दरवाजे खोलण वाला है, ये संपर्क कराउण वाला है। जदों कॉन्टैक्ट टुटदा, संपर्क टुटदा, तो संदेह पैदा हुंदा है, और संदेह के तरातल के उत्ते आत्मविश्वास पिघल जाता है। बड़ी देर का यह संपर्क टुटिया होया सी, और मैं शुक्रगुजार हाँ हिंदुस्तान की सरकार का और वजीर आजम इमरान खान साहब का कि जिन्हें दोबारा ये संपर्क बनाया है। और मैं लिख के कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि जब भी करतारपुर साहब के इस लांगे का इतिहास लिखा जाएगा, खान साहब जब भी इस करतारपुर के लांगे का इतिहास लिखा जाएगा, पहले पन्ने पे, पहले हर्फ पे आपका नाम लिखा जाएगा। ये चमत्कार है, ये चमत्कार है कि जो 71 साल दे विच नहीं होया वो 3 महीनों दे विच किदां हो गया। बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का, मेरे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने कहा, और पहली पातशाही और 10वीं पातशाही आपस च जुड़े हुए ने। बंदा वो चंगा जिहड़ा वचन दा पक्का, ते औरत वो चंगी जिहदियां अखां दे विच शर्म ते हया हुंदी। वचन निभाए वजीर आजम साहब, तुसीं वी, तुहाडे जरनैलां ने भी, सब ने, करनैला ने भी, मैं तुहानूं वधाई दिना। और हिंदुस्तान की सरकार ने उहदा इस्तकबाल किया, दोनों हत्थां दे नाल ताड़ी वजदी है, दो खंभां दे नाल उड़ान हुंदी है। इट टेक्स टू टू टेंगो। दोनों ही वधाई दे पात्र हो, दोनों ही इतिहास दे लिखारी हो। खान साहब ये दिन खास है, ये 12 करोड़ नानक नाम लेवा दा विश्वास है, और सच पुछो ये जिंदा जागदा इतिहास है, ये जिंदा जागदा इतिहास है। दो पंजाब टुटे, दिल टुटे, असी झेलिया, असी औखा कटिया, असी औकड़ा कटिया, मामा दे पुत। सब तो वड्डा बोझ दुनिया का किसी पिता दे कनेड़ियां दे उत्ते उहदे बेटे का जनाजा, ऐसे कई जनाजे उठे। अज वक्त है कि वह विछड़े पंजाब, वो पासे हुए पंजाब, जिन्हां दे बॉर्डर दे उत्ते ताले लाते, कोई ऐसी चाबी आवे इमरान खान साहब वर्गी कि वो ताले खुल जा, सिम सिम करके खुल जान, और बरकत ही बरकत आवे। खान साहब हिंदुस्तान दियां सरकारां नूं तुहानूं इक्को ही इल्तजा कर रहा मैं, अज ना रोकी मित्रा, अज 2 मिनट बोल लैन दे, अज ना रोकी। चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी खत्म करता हूं। दोनों सरकारों को यह एहसास होना चाहिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये बॉर्डर अगर खुलेंगे, पंजाब मेल चलती थी, मेरे पिता मुझे कहा करते थे पंजाब मेल चलती थी और लाहौर में आके रुक जाती थी, वो लाहौर से आगे पेशावर जा सकती है, पेशावर से आगे अफगानिस्तान जा सकती है, मॉस्को जा सकती है। साहब आपकी सब्जियां, आपकी सब्जियां, आपके चावल, आपकी गोभी, वो ब्रसल्स तक जा सकती है। अब तो वो वहां ब्रोकली और ब्रसल्स स्प्राउट खाते हैं, क्यों खाते हैं, यहां से सब कुछ जाना चाहिए। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरा सपना है, और मैं इस सपने के साथ आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जब तक इन रगों में लहू रहेगा, जब तक इन धमनियों में लहू बहता रहेगा, मैं आप दोनों सरकारों का शुक्र अदा करता रहूंगा, आपके आगे झुक के
इस बात का इस्तकबाल करता रहूंगा। जिना रहा उते बाबा नानक, जिना उते तुरिया, जिना रहा उते तुरिया बाबा नानक सब दा सांझा। अज अरदास कबूल होई ते खुलिया ए लांगा, आओ यारो दर्शन पालो, रहे न कोई वांझा, रहे न कोई वांझा। इन्हां ही शब्दां दे नाल मैं फिर सब दा धन्नवाद करदा। ऋणिया मेरे एक एक रोम दे अगर करोड़ करोड़ जबान लगे ते मैं तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकदा। हाँ इन्ना जरूर कहना कि गुरु नानक दे बोलां नूं हमेशा याद रखांगे ते शेख फरीद दी अजमत सदा आबाद रखांगे। जो मरकज है इबादत दा, सुनेहा है मुहब्बत दा, ते एक सुपना है बड़ी मुद्दत दा, मुरीदा ने मुरीदा नूं जो मुर्शद दी मेहर तक लै जावे, असी उस प्यार दे लांघे दी अज बुनियाद रखांगे। बहुत बहुत